पहले कुछ समय पहले जिस तरीके से आज आपने प्लान देखा है, ये प्लान मुझे भी देखने का मौका मिला, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आज हमारे बीच में गेस्ट बैठे हैं, ये किसी न किसी के बुलाए हुए इंसान है। यस और नो? यस। किसी ने कार्ड देखे, किसी ने कॉल करके उसको इनवाइट किया, चल मेरे साथ चलना, कल एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखा के लेके आता हूँ, इस तरीके से बात बोली आप सभी को, हाँ कि ना? यस। और लेकिन ऐसा मुझे नहीं मौका मिला था, मुझे अनजान व्यक्ति मुझे मिले थे। एक्चुअल में बात जाती है, थोड़ा सा बैक में जाना चाहूंगा, मैं चंडीगढ़ के अंदर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नॉन मैट्रिक आदमी हूँ, दसवीं तक बड़ी मुश्किल से पढ़ाई किया। और जब कम पढ़ा लिखा होगा और बंदे के पास पैसा होगा, पैसा नहीं होगा ना, तो बिजनेस कर सकता ना वो नौकरी कर सकता, हाँ कि ना? Yes. लेकिन उसके पीछे अगर परिवार होगा तो उसके लिए क्या करेगा वो? काम करेगा, कुछ तो काम करेगा। Yes. तो पढ़ा लिखा तो नौकरी कर लेगा, वो पैसे वाला हो, कहीं बिजनेस बिजनेस बना काम करेगा, दुकान खोल काम करेगा। लेकिन दोस्तों अपने पास ये दोनों चीजें नहीं थी, जिसकी वजह से परिवार को पालने के लिए मैंने चंडीगढ़ के अंदर ऑटो चलाना स्टार्टिंग किया। और आज हमारे बीच में एक व्यक्ति मौजूद है, मिस्टर राणू, जिन्होंने मेरे साथ में ऑटो चलाते थे, और मैं चाहता हूँ आज हमारे बीच में है, बहुत जोरदार हमारे बीच में सबसे लाइव जिन्होंने मुझे देखा है वो सर है हमारे बीच में, जिनके साथ में जो हमारा स्टैंड पे चलते थे, बराबर चलते थे, सारी चीजें हम साथ काम किया है। और जब साथ चलते चलते एक दिन संडे का वक्त आया, और एक बात हो जाती है हर एक व्यक्ति की जिंदगी में, भगवान एक मौका जरूर देता आगे बढ़ता, हाँ कि ना? Yes. एक समय आया और संडे का दिन था, और मुझे एयरपोर्ट से सवारी मिली, उन्होंने बोला मुझे होटल मितासो जाना है, और वो सवारी लेके मैं होटल में आया। और जब होटल में आया तो संडे का दिन था, 11 बजे की बात थी, और वहां पर मुझे एक अनजान व्यक्ति मुझे मिले, उसमें अनजान व्यक्ति थे, आज मेरे ग्रेट मेंटर है, मेरे गुरु, बहुत बड़े रोल अदा करते हैं मेरे लाइफ के अंदर। और उन्होंने ऐसे बगल में खड़े खड़े और मेरे से दो बात किया कि क्या नाम है, क्योंकि जान पहचान थी नहीं, नाम पूछा कहाँ के रहने वाले हो, तो थोड़ा सा गाँव के नजदीक निकले तो और थोड़ा सा ज्यादा गहरा हो गया हमारे बातचीत। और बातचीत करते करते उन्होंने मुझे पूछ डाला कि ये काम कब से कर रहे हो, ऑटो कब से चला रहे हो। तो दोस्तों उन्होंने जब ये दो चार सवाल पूछा तो लास्ट में एक सवाल और पूछा कि ऑटो चला के तो बहुत बढ़िया, आपने तो घर वगैरह बना लिया होगा। मैं बोले सर कहाँ घर बनता है, बड़ी मुश्किल से घर चलता है, बनता नहीं चलता है, और चलाना पड़ता है कैसे करके। तो बोला सर अशोक जी आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अंदर हॉल के अंदर बहुत अच्छा एक मौका चल रहा है, जिसके अंदर लोगों की जिंदगी बदलती है उस प्लान को देखने के बाद में। और अगर आपने वो प्लान देख लिया, वो प्रोग्राम देख लिया, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। ये जब बात बोली तो शायद सर की मागुर जी की जुबान पे सरस्वती विराजमान हो रही थी, हाँ कि ना? Yes. और मागुर जी ने बात बोली तो मैंने उस प्लान को देखने का सबसे पहले एक बात बोली, मैं सर अंदर जाने का पैसा नहीं, साढ़े गोल अपने पास अंदर जाने का पैसा नहीं है। बोला अशोक जी बिल्कुल फ्री है, एसी हॉल अंदर। मैं फिर तो चला जाए, क्योंकि फ्री की थोड़ा चीज हम छोड़ते नहीं है, आगे ना? Yes. तो दोस्तों मैं अंदर जाके बैठ के देखा, बिल्कुल पीछे के सीट पर बैठ के प्लान देख रहा था, और देखते देखते कुछ लोग बीच बीच में हंस रहे थे, जैसे 40 लाख 95 हजार की बात आई तो बहुत सारे लोग हंसे, लेकिन हंसी मुझे भी आई कि यार देखो कैसे बेवकूफ बना रहे लगता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हमारी पावर से हम सब कुछ कर लेंगे, नहीं, आज जितने भी करोड़पति लोग हैं अकेले नहीं है, उनके पीछे टीम काम करती है। तो जब सर ने बताया कि सब कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर हम टीम बनाएं और सेफ शॉप हमारे साथ में हो, तो ये दोनों चीज, ये सारी चीज पॉसिबल हो सकती है। दोस्तों स्टार्टिंग किया, और एक सर बात बात बोले थे कि जिंदगी में एक छोटी शॉपिंग जो आप अपने दुकानदार से, अपने आजू बाजू वाले दुकान से, या कहीं कैंटीन से, या मॉल से, शॉपिंग मॉल से, कहीं से कहीं खरीदते हैं, 19 सेक्टर की मार्केट से, 22 सेक्टर की मार्केट से खरीदारी करके लेके आते हैं, आज तक कभी जिंदगी नहीं बदली, नहीं बदली, और कोई भी सामान फ्री में नहीं मिला, नहीं मिला। अगर हम अपने जो कि जरूरत की चीजें हैं अगर बाहर से ना लेके जिंदगी में केवल एक बार सेफ शॉप से लेते हैं, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, यहाँ से लाखों रुपए कमाया जा सकता है, और जो आप सपना देखते हैं वो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। दोस्तों रेमेड के सूट लेके, 3 सूट लेके स्टार्टिंग किया था, और सच बताऊं शॉपिंग करने के, क्योंकि मुझे सामान नहीं चाहिए था, मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए था, हाँ कि ना? Yes. तो इसमें शॉपिंग करना पड़ता है, और शॉपिंग के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, करीब करीब 7,000 रुपए की मेरे को कम पड़ गया पैसा मुझे, जो कि मेरे पास नहीं था। बैराना गांव में आज भी व्यक्ति मौजूद है जिसका नाम है मिस्टर नाथा, पैसे वाला व्यक्ति है, ब्याज पे पैसे देता है। उस व्यक्ति से 7,000 रुपए कर्ज पे लेके, 5% ब्याज पे लेके उस व्यक्ति से पैसा लिया, लेके इस सेफ शॉप की स्टार्टिंग किया था। क्यों किया था? क्योंकि आज से पहले जब भी इस बिजनेस प्लान से पहले जब भी कभी जरूरत पड़ती थी हम इस तरीके का जुगाड़ करते थे, हाँ कि ना? Yes. ये बार बार जुगाड़ करना बड़ा मुश्किल लगता था, मैं बोले एक बार जुगाड़ करने से अगर अपनी जिंदगी आसान हो सकती है तो क्यों ना किया जाए, हाँ कि ना? Yes. तो स्टार्टिंग किया और इस बिजनेस को सीखा, और सीखने के साथ साथ में एक गुरु को चुना, क्योंकि पहले इस बिजनेस प्लान से पहले कोई गुरु नहीं था, बहुत सारा गुरूर था, जेब में कुछ नहीं था लेकिन गुरूर बहुत सारा था, जिस मर्जी से पंगे ले लेते थे, जिस मर्जी से लफड़ा हो जाता था, लेकिन सेफ शॉप आने के बाद में गुरु को चुना, एक सिस्टम को चुना, और एक दमदार कंपनी को चुना, और वो तीनों चीजों को पकड़ के हमने काम करना स्टार्टिंग किया। कोई भी काम करने से पहले सीखना पड़ता है, मैंने भी इस काम को सीखा, लेकिन इस सिस्टम के अंदर सीखने के साथ साथ में पैसा कमाने का मौका हमारे लिए सिस्टम देता है। तो शुरुआत में जब हमने स्टार्टिंग किया, नेक्स्ट ये दोनों मेरे ग्रेट मेंटर हैं, मिस्टर इंद्रपाल जी और मिस्टर निहाल सिंह जी, इनके अलावा मेरे जिंदगी में इस दुनिया में कोई भी सपना पूरा करने वाला नहीं था, ये दो लोगों की वजह से मेरे सपने पूरे हुए, मैं चाहता हूं इन दोनों के। थैंक यू।
अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं आते तो ये सब क्या पॉसिबल हो सकता था? नो, ये भगवान के भेजे हुए दूत थे मेरी जिंदगी में, जिनको मैं जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था। इन्होंने प्लान दिखाया और एक विश्वास दिखाया, दिलाया यस अशोक जी हम आपके साथ में हैं, जिंदगी में आपके एक एक सपनों को चुन चुन के पूरा कराएंगे अगर आप हमारे साथ में चलते रहे तो। हाँ कि ना? Yes. बाहर की दुनिया में जाकर देखे तो लोग सपने तोड़ने वाले, सपने चुराने वाले लोग बने हुए, दिल को तोड़ने वाले लोग हैं, उत्साह को कम करने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन ये दो व्यक्ति ऐसे थे मेरी जिंदगी में जिन्होंने मेरे उत्साह को हमेशा बढ़ाया, मेरे जोश को बढ़ाया, मुझे सिखाया और मुझे पीछे से उठा के आज यहां तक पहुंचाया। जीरो से हीरो तक का सफर माँ गुरु जी की वजह से पाया। मैं चाहता हूँ दोनों ग्रेट मेंटर के लिए दोबारा से मेरी जिंदगी बदली है। ये वो स्लाइड है, आप देख पा रहे होंगे, सब लाइट बंद करना प्लीज। ये पहली वाली फोटो है जिस दिन मैं इस प्लान को देखने आया था, और ये दूसरी वाली फोटो है आज की डेट में। सर जवान कौन सा लग रहा है? आज वाला। ये शेप शॉप की पावर है, ये आगे पावर दिखाऊंगा मैं आपको शेप शॉप की। केवल एक निर्णय लेने की वजह से पावर की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आता है आज आप देख पा रहे होंगे। ऊपर की तीन फोटो देख के, नीचे की सारी फोटो देख के आप कौन बता देगा ये व्यक्ति ऑटो चलाता था? कह सकता कोई? नो, कोई नहीं कह सकता। अगर इतना यहां तक पहुंचाया है तो ये शेप शॉप की ताकत ने मेरे गुरु लोगों ने पहुंचाया। हाँ कि ना? Yes. और मेरे विश्वास ने पहुंचाया। उसके साथ साथ दोस्तों बात करें, मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है, लेकिन शेप शॉप आने के बाद में आज पढ़े लिखे से ज्यादा आज हम लोग कर लेते हैं। इसलिए एक बात बोल जाती है कि पढ़ाई लिखाई तो नौकरी करने के लिए जरूरत होती है, अमीर बनने के लिए नहीं होती, नहीं चाहिए। यस और नो? Yes. इसके साथ साथ दोस्तों बात करें आगे की, आज शेप शॉप ने आज मान सम्मान दिया, आज जिस व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया आज बराबर में साथ लेके आज हमें मान सम्मान तक पहुंचाया। बहुत माँ गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक पहुंचाने के लिए। मैं चाहता हूँ माँ गुरु जी के लिए बहुत जोर बता रही हूँ। अजीवन के रूप में आज देख पा रहे होंगे आपके सामने सब कुछ फोटो है। राणा जी पहले ऐसे था क्या? मैं साथ में चले हैं मेरे, था ऐसा पहले कभी? पहले कभी नहीं था सर। लेकिन मेरी जिंदगी में जिस दिन मैंने प्लान देखा, बताइए मुझे लिए वो दिन कितना बड़ा दिन था मेरे लिए। अगर गलती से मुंडे हिल जाते नहीं तो क्या था, पहुंच पाता? नो, कभी नहीं पहुंच पाता। तो मुंडी कौन लाएगा? भगवान ही, हम मुझे जानी पड़ेगी। क्योंकि भगवान कभी भी भर के जो बोरी नोटों से नहीं देगा, वो क्या देगा आपको? मौके, मौका। और मौका कौन पकड़ता है? खुद पकड़ना पड़ता। हाँ कि ना? Yes. तरीके से जिंदगी में आज मान सम्मान मिला। पहले सेफ शो मैंने से पहले जब ऑटो चलाते थे तो एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति भी गाली निकालता था और हम चाहकर भी उसको पीट सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर उसको कूट दिया तो थाने में मेरी गाड़ी बंद और मैं भी बंद। यस और नो? Yes. सेफ शो में एक निर्णय लिया, एक छोटी शॉपिंग किया, आज मान सम्मान सब चीजें हमारे को मिल पाई। यस और नो? Yes. इसके साथ साथ सपने पूरे करने का बिजनेस नेक्स्ट सर, सब स्टार्टिंग में आया था तो मेरे पास में कीपैड वाला फोन था मात्र 1500-2000 वाला, लेकिन सेफ शॉप में आया। आज अगर किसी दुकान पर खड़े होकर आपको फोन पसंद आ गया तो उसी से मैं ले लेता हूँ। मेरे पास अच्छा खासा फोन चला था पीछे 2-3 महीने पहले, लेकिन 25,000 रुपए का वीवो का अच्छा फोन लगा, ऑन द स्पॉट परचेज कर लिया। किसकी पावर? सेफ शॉप की। उसके साथ साथ में घड़ी, इस बिजनेस में आया था तो 150 रुपए घड़ी बांध रखी थी। रॉक गार्डन के बाहर एक बंदा बेच रहा था वो सस्ती वाली घड़ियां, वो बांध के घूम रहा था मैं, और सेफ शॉप में आया। आज ताकत है सेफ शॉप की, आज 13,000 रुपए घड़ी कैशियो की बांध लेते हैं, ताकत सेफ शॉप की। थैंक यू। और हमारी कंपनी इतनी दमदार है, जो सामान मैंने 12 से 13,000 रुपए का लिया आजकल हमारी कंपनी मात्र 5,000 रुपए आपको मिल जाएगी। यस और नो? और इससे बढ़िया वाली है, इससे दमदार है, इससे अच्छी लगती है, लेकिन जब मैंने लिया तो उस समय हमारे पास में नहीं थी। इसके साथ साथ में लैपटॉप नहीं था मेरे पास में, सेफ शॉप में आने के बाद अपना लैपटॉप परचेज किया 31,000 रुपए का। उसके साथ साथ में मैडम बच्चे बोलते थे पापा एलईडी चाहिए, क्योंकि छोटा सा जो कि टीवी था 14 इंच का, उसमें बच्चे बोलते पापा देखते कि उब गए हैं, अभी एक एलईडी चाहिए, तो बच्चों को एलईडी ले लिया। अगर ऑटो चलाता होता क्या हो पॉसिबल था ये चीजें? नो नो। मैडम बोलती थी कि मुझे पता नहीं वॉशिंग मशीन कभी मिलेगी नहीं मिलेगी बिजनेस में आने से पहले, लेकिन ताकत सेफ शॉप की है। आज 22,000 रुपए का फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन मैडम को गिफ्ट कर दिया, ये ताकत सेफ शॉप की है। इसके साथ साथ में मोटरसाइकिल, मैंने जब अपना ऑटो खरीदा था उससे जब एक ही ऑटो खरीदा था अपना, उससे पहले सारे ऑटो मैंने किराए पे चलाए, 200-250 रुपए उसको मार्केट का किराया देता था। और लेकिन अपना पहला ऑटो खरीदा तो 1,21,000 रुपए का आया था, राउंड इतने का आया था ना, 1,21,000 रुपए का ऑटो लिया, उसमें से 21,000 रुपए मैंने डाउन पेमेंट किया और 1,00,000 रुपए का लोन कराया और 2,200 रुपए किस्त बनी। वो 2,200 रुपए किस्त भी समय पर कभी जमा नहीं हो पाई, सेक्टर 35 में कॉर्पोरेशन बैंक है, आप जाके पता कर सकते हैं। लेकिन सेफ शॉप की ताकत, टीम बनाने की ताकत और ग्रेट मेंटर की ताकत है, 1,35,000 रुपए का मोटरसाइकिल चलाता हूँ। थैंक यू। इसके साथ साथ में इस बिजनेस में आया था तो सोचता था 3 पहिया की गाड़ी चलाते चलाते 11 साल हो गए, कभी 4था पहिया लगेगा ना लगेगा, लेकिन सेफ शॉप में 1 साल दिल से काम किया था, 1 साल के अंदर अपनी 4,00,000 रुपए की मारुति गाड़ी यहां से परचेज करके दिखाया था, ये सेफ शॉप की ताकत। थैंक यू। और इसके साथ साथ में जब टीम बनाने लगे तो टीम अलग अलग शहरों में जाने लगी। आज कई सारे शहरों में काम चलता है, यूपी में, बिहार में, बंगाल में और बहुत सारे स्टेट के अंदर काम चलता है। तो जब भी कभी हम अलग स्टेडियम जाता हूँ
तो ट्रेन के अलावा जहाँ पर पॉसिबिलिटी है जहाज से जाने की, वहाँ पर अपने खुद की अपने बढ़िया से टिकट बनवा के और आज हवाई यात्रा करने का मौका मिला। सेफ सो माने से पहले कभी सोचा नहीं था, हम ही सोचते थे कि इसमें अमीर लोग बैठते हैं, लेकिन सेफ सो माने के बाद में ये भरोसा हुआ कि इसमें हम भी जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। और दोस्तों आज बड़ी खुशी होती है, मेरे परिवार मेरे खानदान में किसी बंदे ने जहाज में बैठा तो दूर की बात है जहाज की पुस्तक नहीं देखी, लेकिन सेफ सो माने के बाद में इतिहास रचा इस चीज का भी। यस और नो? इसके साथ साथ दोस्तों बात करें नेक्स्ट, आज बढ़िया बढ़िया होटलों में रियली बताता हूं मैं आपको, जिनमें कभी जाने के बारे में अच्छे अच्छे लोग सोच नहीं पाते, उन होटलों में आज रुकने का मौका मिलता है। आज मेरे हिसाब से ऐसे कोई होटल नहीं बचे होंगे जिस शहरों के अंदर, हर शहरों के अंदर बड़े से बड़ा होटल, चाहे वह आगरा के अंदर सबसे महंगा होटल बोला जाता है रमाडा प्लाजा, उसके अंदर रुकने का मौका मिला, एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार जाने का मौका मिला। और बड़े बड़े कंट्री इन है, पार्क इन है, इस तरीके के बड़े बड़े महंगे महंगे होटलों में आज रुकने का मौका मिलता है, ये सेफ शॉप की देन है। अगर मैं ऑटो चलाता होता क्या पॉसिबल था? नो, हम धर्मशाला में रुकने के लिए भी इम्पॉसिबल नहीं थे हम लोग, आगे ना सेफ शॉप की ताकत है। उसके अलावा बड़े बड़े शहरों के अंदर अच्छे अच्छे जगह पे जाने का मौका मिला, एंजॉय मतलब रियल लाइफ में अगर स्टाइल जोड़ा है तो सेफ शॉप ने जोड़ा मेरी जिंदगी में, लाइफ स्टाइल अगर बनाया है तो सेफ शॉप की वजह से। नेक्स्ट सर, और सबसे बड़ी खुशी की बात, कुछ दिन पहले अभी राजकुमार जी बता रहे थे कि जब लॉकडाउन ने पूरी तरह से हर फील्ड के व्यक्ति को, हर फील्ड के बिजनेस को धराशायी कर दिया था, उस वक्त में हमारी सेफ शॉप तब भी काम कर रही थी ऑनलाइन, क्योंकि हमारा किसका काम है? ऑनलाइन। और आज जमाना किसका है? ऑनलाइन का। ऑनलाइन का है, ऑनलाइन पे काम करके अपने घर में बैठ के भी हमने अपने सपने पूरे किए। लेकिन उस वक्त जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैंने अपने साथ के बहुत सारे ऑटो वालों को ये बिजनेस दिखाया कि देखो इतना बड़ा बिजनेस है, आओ मिलके काम करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने मेरे को नकार दिया था उस वक्त जब ये लॉकडाउन लगा। ये गर्व की बात, मैं इसके घमंड की बात नहीं बोलता हूं, ये रियलिटी बता रहा हूं। उस वक्त जब मैंने स्टार्टिंग किया था और जब इस बिजनेस में आया, ऑटो वगैरह छोड़ दिया, तो जब हम लॉकडाउन के दरमियान घर बैठे काम कर रहे थे, तो जिन लोगों ने मुझे मना किया था बिजनेस के बारे में, उन लोगों ने लॉकडाउन में अपने ऑटो में डाल के सब्जियां बेची है, सब्जियां बेचनी पड़ी उनको, क्योंकि घर रुक चुका था, इनकम बंद हो चुकी थी, कुछ ना कुछ तुमको कहो करना पड़ता। लेकिन दोस्तों अशोक इस चीज के लिए सौभाग्यशाली था, क्योंकि हमारा बिजनेस ऑनलाइन का था, हमारा कोई काम नहीं रुका, हम बाहर नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, हम घर बैठ के काम किया। और दोस्तों उसी दरमियान में बहुत सारे टारगेट हमारे को कंपनी के माध्यम से मिले, और एक टारगेट था विदेश जाने का, थाईलैंड जाने का, और थाईलैंड का टारगेट हमने बिल्कुल घर के अंदर बैठ के इसको जीत के दिखाया और टारगेट कंप्लीट हुआ। पासपोर्ट मेरे पास में था, और अभी पिछले सोमवार को मैं यहाँ से गया था, मेरे खानदान में किसी पास पासपोर्ट नहीं, मेरे अलावा मेरे पास ही है, ये सेफ शॉप माने के बाद बना, विदेश में कोई जा नहीं पाया, और ये सपना भी हमारा सेफ शॉप ने पूरा किया। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दिखाए हुए रास्ते की वजह से, सेफ शॉप की वजह से, और दमदार कंपनी की वजह से, और दमदार सिस्टम की वजह से, और सबसे बड़ी दमदारी है वो हमारी टीम के अंदर है, क्योंकि हमने टीम को बनाया, टीम की वजह से हम लोग विदेश का टारगेट जीत गए। रियली बताता हूं मैं आपको, ये 7 दिन मेरी जिंदगी में कभी ना भूलने वाली चीजें थी। हर चीज जब से मैंने घर से निकला, घर से निकलने के बाद में दिल्ली में जैसे पहुंचा, करीब करीब हिंदू अपने कंपनी ने 1,00,000 रुपए हर व्यक्ति के ऊपर खर्च किया है विदेश घुमाने के लिए, 1,00,000 रुपए कंपनी ने पे किया उसको, क्यों किया जी? क्योंकि हम लोग अचीवर थे। यस और नो? और अचीवर का हर जगह सम्मान होता है, हर जगह उसकी वैल्यू बनती है, हर जगह उसको सारी चीजें मिलती है। दोस्तों स्टार्टिंग में हम लोग होटल में रुके, फ्लाइट में चढ़े, हिंदुस्तान की सबसे दमदार ड्रीम लाइनर, एक एयरलाइन का, एक अपना एयर इंडिया का सबसे बढ़िया एक विमान है जिसका नाम है ड्रीम लाइनर, उसके अंदर 40,000 की ऊंचाई पर जाके और डिनर करना कितनी बड़ी बात होती है। यस और नो? यस। 40,000 की ऊंचाई पे जाके आपने खाना खाना, आपने अपने को ड्रिंक पीना, आपने कोल्ड ड्रिंक जूस पीना, कितनी बड़ी बात होती है। यस और नो? लोगों को जमीन पे नहीं मिल पाता है, और सेफ शॉप ने 40,000 फीट की ऊंचाई पे जाकर हमें दिला दिया। यस और नो? इसके साथ साथ वहां पर जब पहुंचे तो दोस्तों हमारे लिए कंपनी की तरफ से विशेष प्रबंध था, करीब 1-2 करोड़ रुपए की बस डबल डेकर में फुल्ली एसी पूरी तरह से टनाटन बोलने वाली गाड़ी हमारे लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। हम लोग उस गाड़ी के अंदर बैठे और हमें बिल्कुल 7-स्टार होटल में लेके गए, जो कि 22 मंजिला होटल था। 22 मंजिल का होटल पे हमें वहां पर नाइट स्टे कराया गया। उस होटल का एक रात का किराया 13,000 रुपए था। कितने का? 13,000 रुपए का किराया था। 5,500 बात उसका रेट बनता है, तो 5,500-2,500 रुपए का एक बात हमारा बनता है। हम 2,500 रुपए खर्च करेंगे तो वहां एक बात मिलेगा हमारे को। तो उस होटल के अंदर 2 रात रुकने का मौका मिला, खाना पीना बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ मेरा। 1 रुपये कैसा बोलते हैं, कितना? 1 रुपया कैसा होता है, वो खर्च तक नहीं हुआ मेरा। यहाँ से हमने शॉपिंग किया वो एक अलग चीज़ है, हमने और दूसरा कोई चीज़ें परचेज किया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कंपनी की तरफ से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज मिली, हर जगह जाने का, हर जगह घूमने फिरने का, सब चीज़ें मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट
उस दिन आया था जिसने मैंने उसमें निर्णय लिया था। हाँ कि ना yes. अगर निर्णय नहीं लेता तो यहाँ तक पहुंच पाता नो नो, क्योंकि जब ऑटो चलाता था तो कभी रोक गाटर भी नहीं घूमने जाते थे, क्योंकि वहां जाने के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए पैसे साफ पास थे नहीं। दूसरी बात, गाड़ी तोड़ना नहीं तोड़ सकते थे हम लोग, गाड़ी तोड़ेंगे तो खाएंगे क्या हम, यस और नो। लेकिन उसके साथ साथ में सेफ शॉप में काम करना स्टार्टिंग किया जिसने मेरी जिंदगी बदल लिया, यस और नो। वही मौका बहुत सारे लोगों को मिलता है, कुछ लोग हाँ कर देते हैं और कुछ लोग ना करने वाले जिंदगी में कभी भी बढ़िया दिन नहीं आते। यस और नो, ये सेफ शॉप की वजह से हो पाया और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सेफ शॉप जैसी संस्था का, मेरे ग्रेट मेंटर का और मेरी दमदार टीम का, जिनकी वजह से सब कुछ पॉसिबल है। और टीम वर्क में एवरीथिंग पॉसिबल, टीम वर्क की वजह से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। हाँ कि ना yes. इसके साथ साथ दोस्तों, इस बिजनेस में आया था तो मेरी स्टार्टिंग में पहली जो चेक बना था वो 435 रुपए का बना था। कितने का? 435 रुपए के चेक से स्टार्टिंग किया था। उस 435 से जाजिल बैठ सकता था क्या? नो no. घड़ी आ सकती थी क्या? नो no. कार आ सकती थी क्या? नो no. लेकिन एक चीज आ सकती थी, वो था विश्वास, बिलीव बन सकता था। और दोस्तों, इस बिलीव के साथ में स्टार्टिंग किया कि कंपनी 435 का चेक दे सकती है तो वो एक समय ऐसा भी आएगा जब लाख रुपए के चेक भी अशोक कुमार तेरे बन के दिखाएंगे। यस और नो, इस बिजनेस में आया तो 435 का स्टार्टिंग से किया चेक, आज इस बिजनेस में एक नेक्स्ट करो सर एक एक हफ्ते का 73,000 रुपए, एक एक हफ्ते का मैंने यहां से कमाने का मौका मिला, यानी कि एक हफ्ते का 73,000 रुपए का चेक, थोड़ा है क्या? नो no. तो जोरदार ताली ऊंची दोस्तों। दोस्तों, अगर एक घंटे में नहा के बाहर निकला ना, लोग साबुन खर्च करके शैम्पू खर्च करके बाहर निकलते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान करके बाहर निकलते हैं, लेकिन दोस्तों अशोक कुमार 416 रुपए कमा के बाहर निकला बाथरूम से भी। एक घंटा खाना खाने में लगाया तो 416 कमाया, और अगर 8 घंटा नींद पूरा करके उठा तो 3,233 रुपए कमा के उठा। यस और नो, लोग खर्च करके उठते हैं, कुछ ना कुछ गवा के उठते हैं, लेकिन ये सेफ शॉप की ताकत है, क्योंकि मैं अकेला नहीं सो रहा था, मैं अकेला सो रहा था लेकिन पूरी टीम काम कर रही थी उसकी वजह से, और टीम वर्क की वजह से सब कुछ पॉसिबल है। एक एक हफ्ते का मैंने 29,000 रुपए भी कमा के दिखाया सेफ शॉप के अंदर, और एक एक हफ्ते का 73,000 रुपए भी कमा के दिखाया। ये सब कुछ पॉसिबल है इस सेफ शॉप के अंदर। थैंक यू। ये 73,000 रुपए कमाने के लिए और विदेश यात्रा के लिए, कार खरीदने के लिए और बाइक खरीदने के लिए, मैंने अपने सपने पूरे करने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए, स्टेज पे आने के लिए मैंने लगाया क्या? कुछ नहीं। कुछ लगाया था क्या? नो। एक चीज लगाई थी, निर्णय। और निर्णय हमें खुद का लेना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी किसकी बदलनी है? खुद की। बहुत सारे लोग बोलते हैं निर्णय नहीं, हम चाचा से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, मिसेज से पूछूंगा, पड़ोसी से पूछूंगा, दोस्तों से पूछूंगा। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और सामने से कोई ट्रक आ रहा हो और लहराता हुआ आ रहा हो, जिंदगी जाने का सवाल है, किससे पूछने जाते हैं? किससे पूछ जाते हैं? किसका निर्णय होता है? खुद का निर्णय की वजह से हमें खुद सोचना होता है। वहां सोचते हैं कि हम पापा से पूछ लेते हैं, रुक जाए ट्रक वाला, तू रोकते हैं क्या किसी को? खुद का निर्णय लेना होता है, हम साइड में कर लेते हैं, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। हाँ कि ना yes. दोस्तों, अभी भी आपकी जिंदगी का सवाल है, जिंदगी बनाना भी, जिंदगी को टिकाना भी, और जिंदगी को ऊंचाइयों पर लेके जाना भी, वो भी हमारे हाथ में। यस और नो, आज आपने निर्णय लिया तो आपकी जिंदगी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरे से जल्दी आप लोग स्टेज पे आने वाले हैं, मेरे से जल्दी आपके सपने पूरे होने वाले हैं। अकेले से स्टार्टिंग किया था इस बिजनेस की, यूकी पोषण से, राजकुमार जी बताते धोनी से खाली मिलते हैं, ऊपर की आपको पोषण मिलती है, उससे स्टार्टिंग किया था। आज पूरे हिंदुस्तान में 8,000 से भी ज्यादा की टीम मेरे साथ में काम करती है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक यू। और ये सारा क्रेडिट उन दो लोगों को जाता है जिन्होंने मुझे प्लान के लिए अंदर बैठाया। हाँ कि ना yes. आज दोस्तों, जिन लोगों जो लोग यहाँ पर पहली बार हमारे बीच में आए हैं और जो लोग उनको लेके आए हैं, रियली दोस्तों वो आपके बहुत बड़े वेलविशर हैं, बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, वो आपके सपने पूरे करने वाले हैं, क्योंकि आपको ऐसा सिस्टम उन्होंने दे दिया है जिस सिस्टम के अंदर काम करके आप अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। और ये सब चीजें आज हमारे ग्रेट मेंटर को समर्पित है। मागुर जी, आपको क्रेडिट जाता है सारी चीजें और सिस्टम को जाता है और मेरी सारी टीम को जाता है। दोस्तों रियली सिस्टम बहुत मजबूत है, कंपनी बहुत दमदार है। चाहती तो वो 2 करोड़ की कार बस से नहीं कमाती, वो चाहती तो छोटी मोटी खटारा बस दे सकती थी। हाँ कि ना yes. वो चाहती तो रुकने के लिए कोई धर्मशाला या कोई छोटा मोटा को होटल दे सकती थी। हाँ कि ना yes. लेकिन नहीं, और चाहती तो कुछ हल्की फुल्की से कोई फ्लाइट में लेके जा सकती थी। यस और नो, लेकिन सब कुछ अगर A1 क्लास की दिया है, इससे एक बात तय है कि कंपनी बहुत दमदार है। यस और नो दोस्तों, कंपनी बहुत मजबूत है। और दूसरी चीज, हमारे अपलाइन भी बहुत मजबूत है, क्योंकि वही अपलाइन मेरे पास है और वही अपलाइन आपके पास में है। बस एक ही चीज है, मैंने अपलाइन को कसके पकड़ के रखा,
अपना कनेक्टिविटी बना के रखी, कम्युनिकेशन बना के रखा, जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाया। मैंने कभी भी माघोर जी की दूसरी बैल नहीं बजने दिया जब फोन किया, दूसरी पहली बैल के ऊपर हमने सबको रिस्पॉन्स किया। किसी कारण अगर बिजी थे तो तुरंत जैसे फ्री हुए हमने सबको कॉल बैक किया। इसको बोलते हैं कनेक्टिविटी बना के, हाँ कि ना? तो दोस्तों आज वो निर्णय कैसे मैंने लिया, महागुरु जी की मैंने जो बातें उसमें सुनी थी उन बातों को सुन के मैंने निर्णय लिया। और दोस्तों आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे ग्रेट मेंटर हमारे बीच में मौजूद है, जिनकी वजह से आज मेरी जिंदगी बदली और आज उनकी वजह से उनको सुनने का मौका आज सभी को मिलता है। क्यों? क्योंकि आज महागुरु जी छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, ग्रेट पर्सनैलिटी है। मेरे जैसे आज 25,000 से ज्यादा लोग आज उनकी टीम में काम करते हैं। मिलने के लिए तैयार है, एक्साइटेड है, रेडी है कि दोस्तों महागुरु जी के लाइन सुन के और मैंने अपना निर्णय लेने का तरीका बदल लिया था कि निर्णय लेना अभी अपने को बहुत हो चुका है। हर रोज कटी फटी जिंदगी में घूमने से, रोज रोज सुबह उठ के भागने से, फिर वही मतलब कहीं ना कहीं रोज घिसी पड़ी जिंदगी में, अब कुछ जिंदगी बड़ा करना है और लाइफ में स्टाइल जोड़ना है तो मुझे निर्णय लेना चाहिए। और दोस्तों वो निर्णय मैंने लिया महागुरु जी की बात सुन के, और आज आपको महागुरु जी को सुनने का मौका है। और महागुरु जी रियली बताता हूँ कि महागुरु जी की वजह से आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदले। आज महागुरु जी का बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं तो केवल एक थाईलैंड घूमा लेकिन महागुरु जी थाईलैंड के अलावा आज कई कई करीब करीब 20-22 कंट्री में घूम के आ चुके हैं। तो मिलेंगे, तैयार है, एक्साइटेड है। मैं चाहता हूँ दोस्तों आप सभी का साथ एक जोरदार दमदार शानदार ताली से वेलकम करते हैं। सो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज आवर कंट्री मेंटर मिस्टर निहार सर के लिए जोरदार दोस्तों जोरदार। और बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। और महागुरु जी के आगे स्टेज हैंड ओवर करना चाहता हूँ। महागुरु जी सच में बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने मेरे बहुत सारे सपने पूरे कराए और मेरी जिंदगी में मेरे खानदान में एक सपना और जोड़ दिया कि आप विदेश जाने के रास्ते खुल गए सभी के, क्योंकि सेफ शो में आने के बाद मेरा विदेश का रास्ता खुला है। तो आपकी वजह से आज हमारे परिवार में खुशियाँ हैं, आज हमारा परिवार बहुत खुश है। आज जो लोग मुझे मना करते थे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, आज वो बोलते होता तो है। बड़े बड़े चेक बनते हैं तो जो लोग हमारे परिवार के साले साहब बोलते थे, बोलो ऐसा कुछ नहीं होता, का चक्कर पड़ा है, लेकिन जब 73,000-74,000 रुपये का चेक बना बोलता नहीं बिजनेस तो बढ़िया है। तो जो लोग मना करते थे अगर उनके चक्कर में जाता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो मैं चाहता हूँ ग्रेट मेंटर के लिए अगेन जोड़ता है, मांगो जी।